अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं और हम बना रहे हैं आज पाए। और हमारे पाए बनाने का ये तरीक़ेकार कि हम प्याज ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके और इसमें फिर लहसुन अदरक डालेंगे। उस लहसुन अदरक के अंदर हम उनको फ्राई करेंगे। पाए जो हमने बना के रखे हैं वो घी में हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके उसमें दही साफ डालेंगे। दही डाल के तो फिर इसमें पानी डाल देंगे, फिर ये आराम से पकते रहेंगे। इसमें ये जाएगा साबुत धनिया, थोड़ा सा ये गरम मसाला डालते हैं। तो जी हमने लहसुन अदरक डाल दिया है। ये थोड़ा सा लहसुन को भून लेंगे फिर पाए डालेंगे। मैंने बनाने का भी तरीका बताया हुआ है और ये इंशाल्लाह अभी डालते हैं इसके अंदर। अगर अभी इसके अंदर पाए डालते, गर्मी इतनी है, धूप है, हम तो धूप में बैठते हैं क्योंकि इनको टाइम लगता है। अब हम इसमें दही डाल रहे हैं। नीचे से मैं पानी का जग लिया तो टमाटर इसमें हम लोग डालेंगे नहीं, तो हम सिर्फ दही डालेंगे। दही का ये फायदा होता है इसका शोरबा भी गाढ़ा हो जाएगा और इनकी स्मेल भी ख़त्म कर देगा। नहीं नहीं डूबो प्राण अली, एक गिलास पानी। ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर। अभी हम मिर्ची नहीं डालेंगे, मिर्ची हम बाद में डालेंगे।
अब हम इसमें पानी डाल देंगे इकट्ठा, तो ये पकते रहेंगे। एक जग और लिया, मुझे जाना है काम पे, मैं इनको चढ़ा के चली जाऊंगी। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे पाए हो गए तैयार, पर ये पाए जो थे ना, ये थोड़े बहुत बड़े पाए आ गए, तो जिस तरह मैं चाह रही थी, जितनी मैंने मेहनत की है, उस तरह ये नहीं बने। तो अभी रात हो गई है बहुत, इनको हमने बहुत टाइम से रखा हुआ था, अभी ये तैयार हुए, अभी लाइट भी आई है। तो ये अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।